भैया क्या फ्री कर दिया? अरे भैया कर दी मशीनें फ्री। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल फ्री। बिल्कुल बिल्कुल भैया, कोई भी आओ कोई भी पाओ, 2000 मॉब जो भी भाई मेरा परचेज करेगा उसके लिए मशीन फ्री। इतना चीज क्रोम रोड के साथ में आ जाएगा, ये क्रोम रोड बोलते हैं इसको, स्टील में होती है, ठीक है। ये आपको हमारे पास में 75 रुपीज से स्टार्ट होके 95 रुपीज तक मिल जाएगा, मेटल की। अच्छा। पाउडर कोटिंग के अंदर है, ठीक है। लॉक देख लो, एक एक लॉक कितना हैवी लगा हुआ है। मतलब क्वालिटी होने वाली है इसकी। क्वालिटी फ्रेम की देखोगे ना, फर्स्ट क्वालिटी है, एकदम जेन्युइन। पूरा का पूरा फोल्ड कर दो वाइपर को। अच्छा। पूरा का पूरा फोल्ड कर दो, टूटने की जो कंप्लेंट आती है ना वही खत्म होगी। अभी भैया हमारे पास में आए हुए हैं कि भैया आप कहाँ से हो? इटावा से। कितने मॉब खरीदे थे आपने हमसे? 2000। मशीन के कितने रुपए दिए? एक भी नहीं फ्री दी थी आपने। और भैया आप कहाँ से आए हैं? जालौन डिस्ट्रिक्ट से। जालौन डिस्ट्रिक्ट से भैया आए। भैया आपने कितने मॉब परचेज किए? 2000। मशीन के कितने पैसे दिए? मशीन कुछ भी नहीं, 2000 मॉब खरीदे, मशीन फ्री में मिली। मशीन फ्री। तो आपके सामने लाइव है 2000 मॉब, जिसने जिस भी भाई ने खरीदे उनको मशीन फ्री मिलती है। तो आप भी आइए और आप भी पाइए। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा अनोखी। ये देखते थे दोस्तों, इस तरीके से हम आप लोगों को एक बहुत ही शानदार सी मशीन दिखाने वाले हैं, जिससे आप घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मशीन आप लोगों को कमा करके देने वाली, महीने के लाखों। जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों को ले आया हूँ सहानी एमओपी पे। सर मेरे साथ, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताएं कैसे? बहुत बढ़िया। तो सर क्या धमाका कर रहे हैं इस वीडियो में? हमने सुना है कुछ फ्री वगैरह भी दे रहे हैं आप। सर अभी तक क्या चल रहा था, वहाँ मशीन सस्ती मिलती है, यहाँ मशीन सस्ती मिलती है, ये होता है वो होता है जी। सिंपल सी चीज, मशीन ही फ्री कर दी सर। आप मशीन फ्री ले जाओ। अच्छा जी, कोई चार्ज नहीं देना। जो भी मेरा भाई स्टार्ट कर रहा है काम को, सिंपल सी चीज है, मशीन आप फ्री ले जाओ। मशीन का कोई चार्ज नहीं देना। जोन सा भी मॉब बनाओगे जी, उसकी डाई जो भी लगती होगी वो आप डाई अलग से परचेज कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज, मशीन फ्री देने की सिर्फ एक ही वो है कि आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2000 मॉब्स का आपका रहेगा। 2000 मॉब आप वन टाइम शॉट हमसे परचेज करते हो, जो कि मिनिमम ऑर्डर होता है। ठीक है। लोग हमसे मशीन परचेज करने के साथ साथ भी लोग खरीदते हैं कि 1000 मॉब दे दो, 2000 दे दो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आप 2000 पीस का आप हमें मॉब का ऑर्डर दो, मशीन आप फ्री ले लो, कोई मशीन का पैसा नहीं देना। क्या बात है, मतलब रॉ मटेरियल आप ले लो, मशीन फ्री। मशीन फ्री बनाओ, बेचो और कमाओ। अब जो लोग कहते हैं ना कि भैया वहाँ पे मशीन मिल जाती है रो नहीं मिलता, वहाँ पे मशीन मिल जाती है रो नहीं मिलता, मशीन दे दी रो नहीं मिलता, लोग बाग इधर उधर की बात उधर उधर बताते हैं कि वहाँ पे नहीं मिलता। हमारे पास में अभी तक तो रो मिल ही रहा था। अब इसके साथ साथ आप अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप मशीन फ्री ले जाओ, रॉ मटेरियल के पैसे दे जाओ। क्या बात है। ये होती है 3 फीट की स्टिक जी, 3 फीट की रोड लगा के बोतल मॉप नहीं बिकता मार्केट के अंदर। लोग बाग क्या करते हैं, 26-27 रुपए का बेच देते हैं मार्केट के अंदर। मशीन बेचने की उड़ मची रहती है, बस मशीन 5.5-6 हजार रुपए की बेच दो, बोतल मॉप का सस्ता करके दिखा दो, सस्ता मॉप आपको दे दिया, आपका मार्केट में बिका नहीं, उसकी मशीन बिक गई, उसके पैसे बन गए, बात खत्म। ठीक बात है। पहली चीज वही चीज आपको परचेज करनी है जो मार्केट के अंदर सेल होती है, चलती है, ठीक, जिसके ऊपर आपको मार्जिन मिलता है। अच्छा, तो 3.5 फीट की स्टिक मॉप के अंदर नहीं चलती, उसमें चलती है आपकी 4 फीट की स्टिक। ठीक है जी। 4 फीट की स्टिक के साथ में कैसा होता है कि आपको 4 फीट की स्टिक होनी चाहिए, मेटल में लगानी है मेटल में लगाओ, आपको प्लास्टिक में लगानी है प्लास्टिक में लगाओ। ठीक है। मॉप बनाने के लिए जिन चीजों का यूज लगता है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, एक एक करके एक एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा, एक एक उसका रॉ मटेरियल दिखाऊंगा, कैसे बनेगा वो सारी चीज बताता हूँ। मतलब मॉप वाइपर का रॉ मटेरियल और बना बनाया माल भी आपसे यहाँ पे मिल जाएगा, सारी चीज आपको हमारे पास अवेलेबल मिलेंगी। एक एक करके रेडी प्रोडक्ट दिखाऊंगा, उसका रॉ मटेरियल कैसा मिलेगा, क्या क्या मिलेगा उसके अंदर, किस रॉ मटेरियल का क्या प्राइस होगा, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो स्टिक लेनी है वो 4 फीट की लेनी है। ठीक है जी। ठीक है, 4 फीट की स्टिक के साथ में वो स्टिक लेनी है जिसके ऊपर चूड़ी लगी हुई होगी। ये देखिए चूड़ी बनी हुई है ना। ओके। इस तरह की आपको स्टिक परचेज करनी है। ये स्टिक मार्केट के अंदर 12 से 12.5 रुपए की आपको मिल जाएगी। ठीक है। अगर कोई महंगी देता है तो उसका पता नहीं, 12.5 रुपए की स्टिक आपको मिलती है जी। उसके साथ में क्या मिलता है आपको, ये क्लैंप लॉक। इस क्लैंप लॉक की जो वैल्यू होती है वो 5.5 रुपए होती है। ठीक है। ठीक है सर, 5.5 रुपए का क्लैंप लॉक आप हमारे पास से परचेज कर सकते हो। 800 पीस का इसका कट्टा होता है वो आप ले सकते हो। इसका पूरा सेट जो आता है वो 500 पीस का आता है, वो आप हमसे परचेज कर सकते हो स्टिक का। अब इसके बाद में आता है सर यान।
यान आपको कई तरीके का आता है, इस तरह का ये आता है, फिर ये कलर में भी आ जाता है, ये व्हाइट भी आता है, ठीक है। जो आपको परचेज करना है वो इस तरह का व्हाइट यान परचेज करना है, 75 rupees इसकी कॉस्ट होती है पर केजी। ओके। इसकी आपकी 70 rupees कॉस्ट होती है, इसकी आपकी 68 rupees पर केजी कॉस्ट होती है, ठीक है सर। अब इसके अंदर क्या करना होता है कि आपको ये डाई, आप जिस भी तरह का मॉप खरीदोगे, आप क्लिप मॉप खरीदते हो, बोतल मॉप खरीदते हो, आप चाइनीज मॉप खरीदते हो, जो भी लेते हो उनके अंदर ये डाई लगती है, ठीक है। ये अलग अलग डाइयां होती हैं, ये आपको मिल जाएंगी। इस डाई का आपका क्या करना है कि आपको सबसे पहले मशीन लेके और इस डाई को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है सर। ये इंस्टॉल कर दी, अब इसके बाद में ये क्लिप मॉप होता है, इसमें आपको क्या करना है, ये इस तरह से ये यान लेना है आपको जी। यान की जो वैल्यू होती है, जो उसकी वेट होता है, वो आपको मिनिमम टू मिनिमम 180 ग्राम लेना है, ठीक है। ठीक है, 180 ग्राम से कम का यान आप अगर लोगे तो आपका मॉप मार्केट में नहीं बिकेगा, ठीक है जी। इसको आपको लेना है, ये इसको क्लैंप बोलते हैं, ठीक है। ये आपका लॉक हो गया, इसको आपको डाई के अंदर ऐसे लगा लेना है, ये आपका डाई के अंदर लगा, यहाँ पे इसको फिट किया जी, और यहाँ पे इसको मशीन के नीचे लगा के और एक क्लैंप से इस तरह से नीचे कर देना। अच्छा, ये टक की आवाज आई, मतलब आपका जो मटेरियल है वो बन के रेडी हो गया है। ओके, ठीक है। ये आप देखो, आपका मोप रेडी हो गया। अच्छा जी, ये अब इसमें से निकलेगा नहीं। अब आपने जो चूड़ी वाली स्टिक खरीदी थी, चार फिट की चूड़ी वाली स्टिक जो खरीदी थी, वो आपने इसके अंदर लगाई इस तरह से, और ये आपका मोप बन के रेडी हो गया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ये बोतल लेनी है जी। ये बोतल अगर आप मार्केट की तरह बोतल लोगे, जो मार्केट के अंदर सेल हो रही है, वो बोतल क्या होती है, यहाँ पे से बैंड हो जाती है, जैसे आप धागे को निचोड़ते हो, पानी को निचोड़ते हो, वो बोतल यहाँ पे से बैंड हो जाती है, खिसक जाती है। 9 rupees, 9.5 rupees वाली बोतल कभी भी मत लो भाई, वो बैंड हो जाएगी, आपका मार्केट में बिकेगा नहीं, कंप्लेंट आएगी, सारा माल आपके पास वापिस, आप परेशान। सस्ता बेचने के चक्कर में, सस्ता खरीदने के चक्कर में मत रहो। बोतल का वेट आप देखो कि कितने ग्राम की बोतल है। बिल्कुल, ये हमारी बोतल 11.5 rupees की है, ठीक है। वेट देखोगे तो अराउंड अराउंड बहुत हैवी बोतल होती है, मतलब इससे हैवी बोतल नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये बोतल आपने लगाई, ठीक है। जो क्लैंप लॉक हमने लिया था वो हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये आपका मोप बोतल मोप बनके तैयार हो गया। क्या बात है। अब आपने क्या करना, इस बोतल को जब आप ऐसे सीधी करोगे ना, तो ये देखो बिल्कुल प्लेन चली गई, बिल्कुल मक्खन की तरह नीचे हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो सस्ती बोतल आप खरीदते हो, यहाँ से बैंड हो जाएगी, वो नीचे नहीं जाती, जाम हो जाती है, मार्केट में नहीं चलता। अब आती है ब्रांडिंग की बात। ब्रांडिंग जो मेन करी है इस बार हमने, वो सीधा अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर के लिए वो चीज़ लेके आए जो अभी तक मोप में कोई लेके ही नहीं आया। तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपने ब्रांड की पन्नियाँ सेल कर रहे थे जी। यहाँ हमारा नाम आता था और कस्टमर कहता था, सर मुझे आपका माल बेचना पड़ता है, कस्टमर आपसे, मेरा जो मेन कस्टमर है, मेरे जो डीलर है, वो आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। सिंपल सी चीज़ भैया, प्लेन पन्नियां दूंगा आपको, आप ही का नाम प्रिंट करा के दूंगा यहाँ पे, ठीक है। 1000 piece लो, 2000 piece लो, कितने भी पीस लो, आपका ब्रांड यहाँ पे प्रिंट करा के दूंगा, जो भी पैकिंग आपको चाहिए वो पैकिंग दूंगा आपको। मोप अब आप ही के ब्रांड के अंदर बनेगा। अच्छा, 3.5-4.5 rupees की पन्नी पड़ेगी, ठीक है। आप कहीं पे भी पता कर लो, दुनिया जान में जितना मर्जी पुराना मोप का खिलाड़ी बैठा हो, जितना मर्जी सस्ता बेच रहा हो, सिंपल सी चीज़ आपको क्वालिटी वाइज सारी दिखाई है। सबसे बड़ी चीज़ दिखा रहा हूँ, ब्रांडिंग करा के दूंगा आपके मोप के, आपके नाम की, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका नाम बिकेगा, आपका काम बढ़ेगा, तो आप ही का नाम बढ़ेगा, ठीक है भैया। अब मेहनत करो, अपने नाम के लिए करो, अपने काम के लिए करो। अच्छा सर, जो हमने मोप बना के दिखाया है, ये कितनी कॉस्टिंग में बन रहा है हमारा? ये जो मोप हमारा बन रहा है, ये 32 rupees से लेके 35 तक की कॉस्टिंग में बनता है। अच्छा, ऊपर से हम ये पैकिंग लगाएंगे, तो जिस तरह की पैकिंग हम लगाएंगे, उतने ही कॉस्टिंग हमारे मोप के ऊपर 2-2.5 rupees, 3.5 rupees बढ़ जाएगी। बिल्कुल जी, ठीक है सर। अब और आगे की चीजें, और मोप दिखाता हूँ मैं आपको, और किस किस तरह के मोप हमारे पास में आपको मिल जाएंगे। अब क्या हम दिखा रहे हैं सर यहाँ पर? सर अभी हम दिखा रहे हैं क्लिप मोप्स, क्लिप मोप्स किस तरह से बनते हैं जी, और क्या क्या किस क्लिप मोप की कॉस्टिंग है, ठीक है। सर ये हमारा 6 inch का क्लिप मोप, ठीक है जी। इसके अंदर आपको जो यान मिलेगा वो सिला हुआ मिलता है, ठीक है। ये आप देखो, बीच में सिलाई लगी हुई है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये इसके अंदर अटक जाता है। ये क्लिप आपने इस तरह से ओपन करना है, यहाँ पे ये आपने लगाया। अच्छा, ये आपने लगाया और डायरेक्ट इसको यहाँ पे
लॉक कर दिया। ओके ठीक है सर, तो ये आपका क्लिप मॉप बनकर रेडी हो गया। अब इसमें भी दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है कि अगर आप इसमें लगाते हो लकड़ी की रोड जी, पहली चीज तो लकड़ी की रोड में बहुत कम बिकता है, अगर आप इसमें लगाते हो तो मार्केटिंग करने में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग भी आती है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सेल करने में। ठीक है, आपने इसके अंदर क्या करना है, लकड़ी की रोड में अगर आप हमसे लेते हो तो आपको मिल जाएगा 50 रुपए का। अच्छा ठीक है, अगर आप इसको मेटल रोड में परचेज करो, मेटल रोड में ही लगा के बेचो, उसमें क्या होता है जल्दी बिकता है, मेटल रोड 4 फीट की आपको इसके साथ मिलती है। ठीक है, ये मेटल रोड में यहाँ पे लग जाएगा और चटासट मार्केट में बिक जाएगा। अच्छा जी, इसमें आपको क्या करना है, मेटल रोड के अंदर ये आपको हमारे पास में 55 रुपए से लेके 65 रुपए तक मिल जाता है। अच्छा, इसमें दो क्वालिटी आपको मिलेगी, एक आप देख सकते हो ये यान जो है ये पूरा का पूरा ओपन है जी। ठीक है, जो मॉप के अंदर लगता है बोतल मॉप के अंदर वही यान सिल के इसमें लग जाता है। अच्छा, दूसरा जो आता है वो आता है हमारा ये वाला हैवी क्लिप लॉक होता है ये। ठीक है, ठीक है, ये आप हमसे परचेज कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर जो यान आएगा ना ये आपको व्हाइट कलर का मिलेगा, जो दोनों साइड से सिलाई मिलेगी, ये देखो। अच्छा, कॉर्पोरेट यूजेस में यही वाला चलता है और यही वाला बिकता है। ये आपने देख लिया, इसको भी सिंपल बनाने का तरीका यही है, ये आपने इसके अंदर लगाया ऐसे। बिल्कुल ठीक है, और ये यहाँ पे लगा, और ये देखो ये आई टक की आवाज और हो गया क्लिप मॉप रेडी। 6 इंच क्लिप मॉप सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट यूजेस में बिकता है, मेट्रो में, मॉल्स में हो गया आपका, जो ऑफिस बने होते हैं वहाँ पे बिकता है, कोई भी शोरूम बना होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा सेल होते हैं, डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। इसमें क्वालिटी वाइज आपको काम करने की जरूरत है, ये आप अगर इसको 65 रुपीज से लेके 78-89 रुपीज तक का परचेज करते हो तो ये आपको क्वालिटी वाइज मिलेगा। धागा आप देख सकते हो, एक एक रेसा खिला खिला हुआ धागा, ठीक है, इस तरह से सिला हुआ धागा मिलेगा, जैसा आप कहोगे वो वाली क्वालिटी आपको मिल जाएगी। और इसकी कॉस्टिंग क्या होने वाली सर, बात इनकी कॉस्टिंग अगर हमने बात करी लकड़ी का लोगे तो 50 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा, मेटल रोड में लोगे तो ये आपका 55 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा, 65 रुपए तक मिलेगा। अच्छा। अगर आप लोगे हैवी क्वालिटी के अंदर लोगे तो हैवी क्वालिटी के अंदर ये आपको हमारे पास में 85 रुपए तक मिल जाएगा। ठीक है जी। प्लस इसके अंदर जो रोड लगती है वो रोड भी देख लो भैया, सेम क्लिप मॉप के जैसा कलर होगा, सेम कलर डिजाइन होगा और सेम इसके यहाँ पे लॉक होंगे, देखो इसके अंदर लगा के इस तरह से और फिर ये लॉक टाइट कर देना। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये मॉप एकदम रेडी हो जाएगा और ये निकलेगा नहीं। बिल्कुल, और दोनों चीज मैंने आपको बताई है, इसके अंदर भी ब्रांडिंग जो होगी, जो इसकी पैकिंग होगी उसके ऊपर भी आपका नाम प्रिंट हो जाएगा। सर अब जो वैरायटी आ गई ये है ट्विस्ट मॉप बोलते हैं इनको। ठीक है, ये सभी यहाँ पे यूजेस किए हुए हैं। ठीक है, तो ये अब मैं आपको रेट बताता हूँ, ये वाला ट्विस्ट मॉप आपको हमारे पास में 55 रुपीज का रेडी मिल, वो रॉ मिल जाता है इसका। ठीक है, ठीक है, और ये मॉप आप मार्केट के अंदर 120 रुपए तक सेल कर सकते हो। अच्छा, इतना बिक जाता है। इसका रॉ मटेरियल आपको 500 पीस का मिल जाता है हमारे पास में। ठीक है, कम चाहोगे तो कम भी मिल जाएगा और रेडी चाहोगे तो रेडी भी मिल जाएगा। ओके। ये व्हाइट ट्विस्ट मॉप इसको बोलते हैं, इसका पाइप छोटा होता है। ठीक है, और हाइट में छोटा होता है, कलर डिजाइन बहुत बढ़िया होता है और क्वालिटी के अंदर भी एकदम जेन्युइन होता है, इस तरह से ये मॉप का लग जाता है। देखो यहाँ पे पोचा लग जाएगा, ऊपर कर लो और घुमा दो तो एक ट्विस्ट होने के साथ साथ मतलब पानी को निचोड़ देगा। ठीक बात। अब दूसरी चीज जो आती है इसके अंदर, एक क्या क्वालिटी आती है, ऑरेंज ट्विस्ट मॉप बोलते हैं इसको, मार्केट के अंदर नाम से बिकता है ऑरेंज नाम से। ठीक है, ठीक है, ऑरेंज ट्विस्ट मॉप हैवी क्वालिटी के अंदर होगा। ये देखो, ये प्लास्टिक देख लो, दबने को तैयार नहीं है भैया, गर्मी पड़ रही है तब भी दबने को तैयार नहीं है, इसको तरह की क्वालिटी है। ये देखो धागा इस तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, और इसकी क्वालिटी के साथ ये इसके अंदर आपको हाइट जो मिलेगी वो ज्यादा मिलती है, दूसरा इसका हैंडल भी बढ़िया मिलेगा। ठीक है, ठीक, ये आपको हमारे पास में 65 रुपीज से लेकर 98 रुपीज तक मिल जाएगा। अच्छा, जिस तरह का आप चाहोगे, धागा को बढ़वाना चाहो, घटवाना चाहो, जो भी ये कस्टमाइजेशन सारी आपके हाथ में है। तीसरा चीज क्रोम रोड के साथ में आ जाएगा, ये क्रोम रोड बोलते हैं इसको, स्टील में होती है। ठीक है, ये आपको हमारे पास में 75 रुपीज से स्टार्ट होकर 95 रुपीज तक मिल जाएगा। अच्छा, और इसका जो वेट होता है मॉप का, जो धागे का जो वेट होता है वो भी ज्यादा होता है। ये देखो आप लेंथ देख सकते हो कितनी
कितनी निकल जाती है, क्या बात है, बाकियों से ज्यादा होती है इसकी लेंथ, ठीक है। और इसको अगर आप ट्विस्ट करते हो ना, ज्यादा निचोड़ता भी है और बढ़िया काम भी करता अच्छा। है। मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम होता है ये निकल क्रोम के अंदर। 95 रुपीस का भी अगर आप हमारे पास से लेते हो ना, 10-20% रख के कहीं पे भी बेच लेना, 9.5-18 रुपए रख के अगर आपने बेच लिया ना, दिन में 100 पीस भी बेच आए तो भी आपकी कमाई अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से देखिए मशीनें भी सर के पास यहाँ पे मिल जाएंगी। सर ये किस चीज की मशीन दे रखी है? सर ये हमारी वाइपर की सीट कटिंग मशीन है। अच्छा, वाइपर हमारे पास में कितने रुपए से स्टार्ट होता है, कौन कौन सा वाइपर है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये सीट होती है ठीक है, इसको आपको इस तरह से कट करना पड़ता है। अच्छा, ये देखिए, अब ये सीट जो है ये शेप में आ गई है ठीक है। इसका जो कटा हुआ टुकड़ा है वो हट गया है। अब इसको आपको इस तरह से वाइपर के अंदर ऐसे लगाना है ठीक है। ये देखो, ये इस तरह वाइपर के अंदर आपने लगा दिया ठीक है। अब इसमें आपको लॉक लगाने हैं और ये वाइपर आपका रेडी हो गया। अच्छा, बस बस इतनी सी बात, इतना ही काम है। 12 इंची वाइपर है। अब मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो ये आपको 16-17 रुपए में रेडी हो जाता है। अच्छा ठीक है सर, अब मैं आपको स्टार्टिंग रेंज ऑफ वाइपर दिखाता हूँ कि कौन से वाइपर आपको सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर चलते हैं जी। सबसे पहले आता है ये आपका, ये किचन वाइपर लोग 5-7 रुपए का बेचते हैं ठीक है, बिकता है नहीं ठीक है। क्वालिटी चूंकि इतनी ज्यादा लो होती है, लेकिन जो आपको जेन्युइन क्वालिटी मिलती है 11.5 रुपए का किचन वाइपर मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर चाइनीज और ये दोनों मिल जाएंगे ठीक है जी। 12 इंची वाइपर आपको हमारे पास में 16 रुपए का रॉ मटेरियल मिल जाएगा। 16 इंची वाइपर इस तरह का, ये देख लो आप ठीक है, इस तरह का 16 इंची वाइपर आपको हमारे पास में 26 रुपए का मिल जाएगा ठीक है। ये आपको मिल जाएगा हमारे पास में, ये डबल रबड़, वो ये रबड़ के साथ साथ इसमें भी होता है तो ये क्या करता है, डस्ट क्लीनिंग के काम में आता है, कोई जमा हुआ धूल मिट्टी होती है उसको छुटाने के काम में आता है। ये आपको मिल हमारे पास में 32 रुपए का मिल जाएगा। 32 रुपए से लेके फिर ये 35 रुपए का मिल जाएगा। अब जो आ रहा है, ये सारी जितनी मैंने आपको दिखाई है सारे लकड़ी की रोड में थे ठीक है। जितने ही मैंने आपको वाइपर दिखाए जो भी रेट बताया वो सारे लकड़ी के रोड के बताए बिल्कुल। अब इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग मेटल की रोड। मेटल की रोड के अंदर जिस तरह का ये वाइपर है, ये पैकिंग और ये स्टिकर वगैरह ये सब क्लाइंट के बने हुए हैं, ये सारी आपको मिल जाएगा, आपके ब्रांड में मिल जाएगा। मेटल रोड के अंदर ये आपको हमारे पास में 45 रुपीज तक का रेडी मिलेगा। अच्छा, पहला। फिर आपको जो मिलता है, ये मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि भैया हमसे सस्ता टायर रबड़ नहीं दे सकता कोई, ये देखो पैकिंग के साथ में है ये अभी। अच्छा, इसकी मैं पैकिंग हटाता हूँ कस्टमर की। ये देखो भैया, इस तरह से रोड मिलती है आपको मेटल की। अच्छा, पाउडर कोटिंग के अंदर है ठीक है। लॉक देख लो, एक एक लॉक कितना हैवी लगा हुआ है। क्या बात है, मतलब क्वालिटी बढ़िया होने वाली है इसकी। क्वालिटी फ्रेम की देखोगे ना, फर्स्ट क्वालिटी है, एकदम जेन्युइन जी। ये आपको हमारे पास में सबसे सस्ता, लोग बोलते हैं इतना सस्ता दे दूंगा वो सस्ता दे दूंगा टायर रबड़ में। हाँ। भैया रबड़ तो आपने टायर की लगा दी, सही बात है। फ्रेम आपने सेकंड का डाल दिया। हाँ। रोड आपने प्लास्टिक की लगा दी, लकड़ी की लगा दी, कैसी भी लगा दी, बिल्कुल उससे नहीं बिकता। जो बिकता है आपको टॉप टू बॉटम क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, तब जाके आपका माल बिकता है। सही बात। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टायर रबड़ के साथ फ्रेम क्वालिटी का लगाना पड़ेगा, लॉक लगाने पड़ेंगे, पाउडर कोटिंग की रबड़ होगी, पाउडर कोटिंग की आपकी रोड होगी, रोड के ऊपर इस तरह से पैकिंग लगी होगी, ये आपको फिर मिलेगा। फिर हमारे पास में भी बहुत सस्ता है जी। रेट कोई वीडियो में नहीं बताता, मैं आपको वीडियो में ही बता देता हूँ। ये आपको हमारे पास में 55 रुपए से रेडी दे दूंगा आपको। सिर्फ 55 रुपए से? 55 रुपए से इसका रॉ मटेरियल अवेलेबल दे दूंगा आपको। क्या बात है। अब इससे सस्ता इस क्वालिटी के अंदर ले आओ, मतलब आराम से 100 रुपए से ऊपर बेचिए इसको। 100 रुपए से ऊपर 120 रुपए का मेरा कस्टमर अलीगढ़ के अंदर सेल कर रहा है। लो भाई जगह भी बता, अलीगढ़ के अंदर 120 रुपए का सेल कर रहा है रिटेल के अंदर। क्या बात। फिर आपको आ जाती है मेटल रोड दिखा दी हमने, हमने लकड़ी की रोड दिखा दी, अब आपको दिखाए थे ये देखो, ये प्लास्टिक की रोड। ठीक बात है, देखिए दोनों रोड के अंदर डिफरेंस देख लो। अच्छा ठीक है, रोड के अंदर डिफरेंस किस चीज का, इसकी क्वालिटी देख लो, इसकी क्वालिटी देख लो। बिल्कुल। ये रोड आपको 14 रुपए की मिल जाएगी, ये रोड आपको 24 रुपए की मिलेगी। अच्छा जी, क्वालिटी जेन्युइन होती है। इस तरह के मोप के, इस तरह के वाइपर के अंदर जब लगा के बेचते हैं ना तो रेट मिलते हैं अच्छे। ठीक है ठीक है। तो आपने क्या करना, टॉप टू बॉटम अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ाने। रबड़ आपको मिल जाएगी, सारे जितने वाइपर दिखाए सबका रोम मिल जाएगा। 24 इंची, 21 इंची, 22 इंची सारे मिल जाएंगे। ये देखो क्या, ये सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब आता हूं मैं हैवी क्वालिटी के ऊपर, जिनकी क्वालिटी बड़ी जेन्युइन होती है। ये भैया पहले आपने इसकी रबड़ देखो क्या सॉफ्ट है, ये देखो। अच्छा जी, ये देखिए जी, होए होए, ये लो।
कस्टमर आते हैं यूज कर करके देखते हैं एकदम रगड़ रगड़ के, ये रगड़ रगड़ने के बाद में भी देख लो इसकी रबड़ देखो क्या सॉफ्ट है, डबल रबड़ के अंदर ठीक है। प्लास्टिक देखो आप, फ्रेम देखो फर्स्ट का फ्रेम है एकदम जेन्युइन बिल्कुल, ये लॉक दिया हुआ है। अब आप रोड पे डिजाइन देखो, अच्छा जी, और मेटल की रोड है, एल्युमिनियम रोड लग रही है, तो रोड का साइज देखो ये लगा दिया जमीन से, और रोड का साइज देख लो 5 फीट की रोड है, 5 फीट की रोड आपको हमारे पास में मिलेगी। इसकी जो कॉस्ट होगी वो 170 रुपीज वाइपर की होगी, देखो क्वालिटी में मेंटेन करोगे रेट में करोगे तो सारी चीजें आपको मिलेगी। मेटल के अंदर देख लो साइज देख लो, मेटल रोड के अंदर देख लो, रोड का साइज देख लो, ये लो देखो 4.5 फीट की रोड है, बिल्कुल 4.5 फीट की रोड के साथ में ये आपको साइज मिलेगा, आपको मेटल है पूरा, अच्छा ठीक है। अब 21 इंची वाइपर है ये आपको हमारे पास में अवेलेबल मिल जाएगा, ये देखो 21 इंची वाइपर फर्स्ट की क्वालिटी 3.5 फीट की रोड के साथ में मिलेगा, ठीक है। ये आपको हमारे पास में 65 रुपीज से 75 रुपीज से लेकर 95 रुपीज तक मिलेगा, अच्छा। ये आप क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी भी देख लो, ये देखो कितना पतला दुबला सा वाइपर है, अच्छा ठीक है, ये आप देख रहे हो ना बिल्कुल कुछ नहीं है। और अगर आप क्वालिटी की बात करो तो ये देख लो भैया, पूरा का पूरा फोल्ड कर दो वाइपर को, अच्छा पूरा का पूरा फोल्ड कर दो, टूटने की जो कंप्लेंट आती है ना वही खत्म होगी, ये देख लो क्या बात, पूरा फोल्ड है। इस तरह का वाइपर आपको हमारे पास में मिलता है अगर आप क्वालिटी की बात करो। और इसकी अगर मैं रोड की बात करूँ ना भैया, कि भैया रोड कौन सी मिलती है इसमें, इस तरह की मेटल की रोड मिलती है, ये देखिए क्वालिटी, आप रोड देखो, रोड का हैंडल ये देखो, अच्छा जी ये फिनिश्ड वाला प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके से, फिनिशिंग वाला देखिए बहुत ही शानदार, ये देखिए भैया इसकी पैकिंग भी आपको मिलेगी ना, वो आपके नाम के ब्रांड के साथ में मिलेगी, अच्छा जो भी ब्रांडिंग मिलेगी वो आपके नाम में ही मिलेगी इसमें, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्वालिटी दिखा दी, अब मैं दिखाऊं आपको झाड़ू के बारे में, अगर मैं बताऊं तो ये देखो ये इस तरह की खर्राटा झाड़ू आपको हमारे पास में अवेलेबल मिलेंगी, 20-20, 22-22 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 26-36 रुपए तक चली जाती है, जैसी मर्जी ले लेना, क्वालिटी वाइज जैसी लोगे, मेटल में लोगे, प्लास्टिक में लोगे, जो लोगे वो सारी चीज आपको मिलेंगी। अब इसके बाद में आ जाते हैं भैया झाड़ू के ऊपर, झाड़ू की मशीन आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगी, रॉ मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल मिल जाएगा, अभी गोडाउन बढ़ा दिया मैं आपको, खाली मशीन दिखा सकता हूँ और मशीन की कॉस्ट बताऊंगा ना आप हैरान हो जाओगे। भैया झाड़ू की मशीन है मात्र 3500 रुपए की मशीन है, जो मर्जी आओ ले जाओ, 50 किलो या इसका बोरा मिलेगा साथ में झाड़ू, अच्छा। का बांस मिलेगा, वो सारा कुछ मिलेगा, हैंडल मिलेगा, मेटल का मिलेगा, प्लास्टिक का मिलेगा, सारे मिलेंगे, जो सा मर्जी आ जाओ और ले जाओ। और इसके साथ में एक चीज और सुन लो भैया जी, 5000 पीस झाड़ू का मटेरियल लोगे तो मशीन भी फ्री, अच्छा जी ये भी ऑफर है, ये भी ऑफर है, क्या बात है, मतलब क्लीनिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड दोस्तों आपको देखिए एमओपी वाइपर झाड़ू हर चीज देखिए सर के पास से यहाँ पर रीजनेबल रेट में मिलने वाला है, बिल्कुल जी। सर अगर कोई आपसे डील करना चाहे या आपसे जो है वाइपर एमओपी कुछ भी लेना चाहे तो कितने अमाउंट से ले सकता है आपसे? सर मिनिमम आप 5000 रुपए का ऑर्डर डाल दो, 3000 का डाल दो, कितने का भी डाल दो, कोई पंगा नहीं है, अच्छा। आप अपने रिटेल की दुकान चलाते हो तो आप हमसे रेडी लेना चाहते हो आप रेडी भी ले लो, सिंपल सी चीज है, क्वांटिटी में लोगे रेट अच्छा मिलेगा जी। अगर आप थोड़ा कम माल लोगे तो उसमें 1-2 रुपए का डिफरेंस आता है, वो हमारे एज अ मार्केट चलता है, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज अगर आपको हमारे पास में ऑर्डर प्लेस करना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमारी वेबसाइट है www.sanilight.com के नाम से हमारी वेबसाइट भी है, उस पे भी जाके आप कोई भी किट परचेज करते हो वो भी आपको हो जाएगी, वहीं पे आप पेमेंट गेटवे वगैरह सब कुछ है। दूसरे और फिर अगर आप हमसे हमारे पास में विजिट करना चाहते हो, आप आकर लेना सामान चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको आना है गली नंबर 3 न्यू मॉडर्न मंडोली रोड रामनगर शाहदरा दिल्ली 11100 93, ये हमारा पिन कोड है। आप यहाँ पे गूगल के ऊपर सानी लाइट डालोगे तो भी आपको लोकेशन मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर पिन करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो वहाँ पे भी आपको हमारा वो सारी कैटलॉग आएगी, एड्रेस आएगा, लोकेशन आएगी, सारी चीज़ें आपको शेयर हो जाएंगी, आप आगे हमारे पास से आराम से परचेज कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, देख के अपना माल ले सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो, कस्टमर केयर नंबर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है कि भाई मेरा माल नहीं पहुँचा या फिर माल लेट हो जाता है या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जी, आपको डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको नंबर देता हूँ 9205173027, ठीक है, ये हमारा कस्टमर केयर का नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर आपको आना है तो रास्ता पूछ सकते हो, आपको कोई मटेरियल आपने परचेज किया हुआ है या फिर वो रास्ते में, तो आप इसमें अपने स्टेटस जान सकते हो कि आपका माल कहाँ पर है, कितने दिन में पैक होगा, पेमेंट और ऑर्डर आपको दिए हुए नंबर पे ही करना है,
ठीक है सर, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। और मेरा सिर्फ एक ही कहना है, दूसरों को दूसरों के बातों में ना आए, अपना काम करें और अपने ब्रांड को आगे बढ़ाएं। अपना नाम बढ़ाओगे, अपना काम बढ़ाओगे तो खुद बढ़ोगे, दूसरों के चक्कर में रह जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे।